आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तीसरी लहर अगर आती है तो उससे दिल्ली को बचाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं कई अस्पतालों में भी गया, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेके की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है, 5,000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, दो दो हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5,000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं, पेशेंट केयर में डायपर चेंज करना, कैथेटर, बेड पैन, सैंपल कलेक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ कई सारे इस तरह के असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और पेशेंट केयर काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो ये 5,000 लोगों को हम ट्रेन करके छोड़ देंगे और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। तो 17 जून से एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500 500 के बैच में ट्रेनिंग होगी, एक बैच 500 लोगों का होगा, दो हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और दो हफ्ते के बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा और टोटल 5,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, 12वीं क्लास से ज़्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है तो। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ भगवान से कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन इंग्लैंड से, यूके से जो खबर आ रही है कि वहाँ पे थर्ड वेव आ गई है, तो हमें भी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। नमस्कार।